गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज ना मैं सोच रही हूँ सुबह से ब्लॉगिंग की जाएगी, कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, पर भी मैं सोची चलो क्यों ना आज ब्लॉगिंग करते हैं। बहुत दिन से शॉर्ट डाल के मैं बोर हो गई थी, तो आज से हम हमेशा दो दो दिन के गैप में एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बना है। वो बना है कुछ स्पेशल सा। क्या स्पेशल है चलिए दिखाती हूँ। तो दोस्तों फटाफट से मैं दिखाती हूँ अपना घर का कपड़ा। तो आज मैं ये पहनी हूँ, काफ़ी वियर्ड सा कॉम्बिनेशन लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं घर पे ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, काम चलाऊ जो मेरे को आराम दे। मुझे कुछ भी फैशन घर में नहीं सूझता, फैशन सिर्फ बाहर के लिए। तो ये है मेरा घर का कपड़ा। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये मैं बार बार ऐसे क्यों कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब निकल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइज ये आटा सना हुआ है, अब इसको हम लोग एक अच्छे से शेप में बना देंगे। और ये एक पैलेट जो था जो कि बन गया पापा। खत्म हो गया मम्मी, सॉरी गाइज ये खत्म हो गया, ऐसे ढक के रखी। इसके साथ में बनी है ये टमाटर की चटनी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा पतला दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें टमाटर कम पानी ज़्यादा है, और अभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया इसीलिए। कितना है मम्मी अभी टमाटर के लिए? 100 रुपये किलो। बाहर चल के बनाते हैं क्योंकि अभी बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मैं आपको बोल रही थी ना, ये ऐसे लंबा लंबा सा बनता है, तो कुछ इसको हमने ऐसे ऐसे बनाया और फिर ऐसे ऐसे स्टीम कर। अरे कहना क्या चाहते हो? कढ़ाई इसमें डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हो आप, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो एंड रिफाइंड तेल भी डाल सकते हो। तो मैं सोच रही रिफाइंड तेल ही डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहें। ये नहा ही नहीं अभी तक गाइस। छी प्लीज़, इसको कुछ कमेंट में ज्ञान देके जाए आप सभी कि टाइम से नहा लिया जाता है एंड पूजा कर लिया जाता है, ब्रेकफास्ट कर लिया जाता है। मारी क्यों रे इतनी ज़्यादा? नहीं, इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं सहा जाएगा। चलो बनाओ उसको, फ्राई करो। जो कर रहा है खाने के लिए सबसे पहले यही आती है। मैं नाश्ता भी नहीं कर रही हूँ। तो वही तो बोल रही हूँ, खाने के लिए सबसे पहले तू वैगी बन जाएगा। गाइस मेरे को बनाने आता है, लेकिन मम्मी थोड़ा अच्छे से बताती है ना। थोड़ा सा दोस्तों गर्मा गर्म फर्रा इज रेडी। और इसके साथ ना आपने बना लेना ये गर्मा गर्म टमाटर की चटनी, जो कि इसको चार चांद लगा देती है एंड ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, इसे फटाफट से मैं इसे खा लेती हूँ। कैसा लग रहा है नाश्ता? मस्त, खुद ही बनाई है ना इसीलिए। दोस्तों आज मेरा खाना खाने का मूड नहीं कर रहा है, क्योंकि फरा खा लियो ना तो पेट बहुत ज़्यादा कुछ हैवी है ऐसा लग रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कुछ पेंटिंग किया जाए, और मैंने कुछ एक्रेलिक कलर मंगवाए थे जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, मीशो से मैंने मंगवाया है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। तो कुछ कुछ पेंट वेंट कर लेते हैं। मेरे पास दो गुल्लक है जिसमें से मैंने एक पेंट कर लिया और एक बचा है, तो उसको मैं कर लूँगी। नहीं मैं नहीं खाऊँगी। तो गाइस अब मैं सोच रही हूँ ना कि मेरे पास वाला जो गुल्लक है उसको मैं बहुत अच्छा पेंट करूँ, कुछ
कुछ एस्थेटिक एस्थेटिक जो आजकल बहुत चल रहा है तो उस टाइप का करते हैं। मेरा भाई भी स्कूल से आ गया। हाय भाई, ये अपना स्किन केयर कर रहा है स्कूल से आने के बाद, मेरे प्रोडक्ट्स चुरा चुरा के लगा रहा है। यहाँ पे पेपर बिछा लेती हूँ और फिर पेंटिंग करेंगे। ये उस दिन मैं गंदा कर दी थी एक गुल्लक पेंट करने के चक्कर में, तो ये रहा पेपर, इसको बिछा लेते हैं। ये रहा मेरा गुल्लक, मेरा पेंटिंग कलर, मेरा ब्रश और ये कुछ बच्चों वाले कलर मैं ले आई थी थोड़े बहुत काम चलाने के लिए, कुछ पेंसिल और कुछ ग्लिटर वाले पेन, ये काम नहीं आने वाले, तो इसको पेंट करते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ गुल्लक को करते हैं पेंट। तो दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इसमें करने वाली हूँ पिंक कलर और वाइट से ना छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। तो आप इसका फाइनल लुक देखिए, बिना वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों ये रहा मेरा काम चलाओ सब पेंटिंग सेंटिंग, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा। अरे यार आप लोग कमेंट में कितना चीज़ बताएंगे ना, मैं हर चीज़ को बोलती हूँ कमेंट में बताइएगा। तो ये ना मैंने सोचा इसमें कुछ पेस्टल पिंक कर देती हूँ और छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूंगी। यहाँ पे मैं सोची बड़ा सा फ्लावर बनाऊंगी पर पता नहीं क्या बन गया, पर ओवरऑल अच्छा लग रहा है, लुक क्यूट सा लग रहा है, तो कुछ ऐसा लग रहा है ये मेरे तरफ से। तो ये ठीक है, आप लोग को कैसा लग रहा है। तो पेंटिंग वगैरह करने के बाद मैं सोची थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि अभी बाहर इतनी ज़्यादा धूप है और इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा है। मेरे को एक शॉर्ट वीडियो शूट करना था, तो अब थोड़ा शाम हो जाए, 5:30-6 लगभग बज जाए, उसके बाद अपन शूट करेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट क्लिप के साथ। गाइस अब ऑलमोस्ट ना 6 बज गया है, तो चलते हैं बाहर कुछ प्लांट्स वगैरह लगा लेते हैं और फिर उसके बाद मंदिर भी जाना होगा हम लोग को, तो चलते हैं। मेरे को एक जो शूट करना था अपने शॉर्ट्स के लिए वो भी मैं शूट कर चुकी हूँ, तो ये जो 100 प्लांट है वो मेरे को गमले में लगाना है। तो चलते हैं बाहर छत में और इसको एक नई जगह देते हैं। ये रहा गमला, अभी दोपहर के टाइम सब सोए हुए रहते हैं इसलिए सारा कुछ लाइट हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि बिजली बचाओ। एक पीछे का गेट है, इसको खोलते हैं। लगाना था वो भी मैं लगा दी और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कैमरा पकड़ने का भी हिम्मत नहीं हो रहा। अब मुँह हाथ धो लेते हैं और मंदिर से भी हो आते हैं क्योंकि 6:30-6:30 बज गए हैं, तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस फाइनली मैं सारे कामों से फुर्सत हो गई, छत भी साफ़ हो गया जो कि आज का सबसे मेन काम था, मंदिर से भी हुआ, घर के भी पूजा पाठ हो गए सारे। एंड अब मैं बैठी हूँ, चाय भी मैं पी ली और ये देखिए मस्त चना चटपटी आया है। अब इसको मैं और दीदी मिलके ख़त्म करेंगे फटाफट, और हाँ इसको खाने के बाद ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। बाय बाय।